दोस्तों, मेरे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है 650 वीए का, आज क्या हुआ कि मिक्सी चला दी गई अचानक से और घर के और भी उपकरण चल रहे थे, तो क्या हुआ कि एकदम से इन्वर्टर पर लोड पड़ा और जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर बंद हो गया। अब जब इन्वर्टर बंद हो गया तो उसकी सारी लाइटें जलना बंद हो गई। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो सारी लाइटें जलना बंद हो गई और इन्वर्टर काम करना बंद कर दिया। अब बात ये था कि यहाँ पर अब मैं सीधे उसको दुकान पर लेके जाता तो दुकान वाला तो 400-500 रुपया लेता। मैंने उस इन्वर्टर को खोला और उसको चेक किया। चेक करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ मैंने चेक की और उसी में प्रॉब्लम निकली। अगर सामान्य रूप से यही समस्या यदि आपके घर में भी आती है तो आप सबसे पहले इसी चीज़ को चेक कर लें। अगर आप उसको चेक कर लेते हैं तो अगर यही समस्या आपको मिल जाती है तो आपको उस इन्वर्टर को दुकान पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 20 रुपए में ही आपका काम बन जाएगा, इन्वर्टर आपका सही हो जाएगा। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हमने उस इन्वर्टर को रिपेयर किया और हमारा इन्वर्टर चालू हो गया। ये मेरे घर का इन्वर्टर है। ये देखिए सब कुछ बंद हो गया है। अभी मैंने इसको खोला तो देखिए इसके यहाँ पर देखिए ये दो पत्ते जो हमारे जो फ्यूज होते हैं वो लगे होते हैं, उसको मैंने निकाला है। वही फ्यूज़ हमारा ओपन है। ये देखिए ये दोनों फ्यूज़ वहाँ पर लगे होते हैं स्लॉटेड स्लॉट में। तो ये देखिए 40 लिखा हुआ है, ये डीसी फ्यूज होता है। इसको मैंने निकाल लिया है, यही उड़ा हुआ था। एकदम से जब जर्क लोड आता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल इस फ्यूज़ को निकाल लें और दुकान से आप ख़रीद लें। 10-10 रुपए के दो फ्यूज मिल जाएंगे आपको, मतलब 10 रुपए का एक फ्यूज, 10 रुपए का एक फ्यूज। ये हमारा बैटरी से कनेक्शन किया हुआ है तो 20 रुपए में आपको दो फ्यूज मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये देखिए हमारा फ्यूज़ जो है वो ओपन है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ हमारा ओपन है, ये नहीं तो पूरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप चेक कर लें। मल्टीमीटर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं फ्यूज़ को। तो अगर आपका फ्यूज उड़ा हुआ है तो मतलब नया फ्यूज आपको डालने की ज़रूरत है। अगर नहीं उड़ा हुआ है फिर भी ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो मतलब आप इन्वर्टर को आप दुकान पर लेके जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको देख लें। अब जैसे ये वाला फ्यूज हमारा है, देखिए ये एकदम सही फ्यूज़ है। ठीक है, ये फ्यूज हमारा सही है। ये वाला फ्यूज देखिए हमारा ओपन है। अगर हम दोनों फ्यूजों को एक साथ यदि रख करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फ्यूज़ ओपन है और कौन सा फ्यूज़ सही है। ये देखिए जो दाहिने हाथ पे जो फ्यूज़ है वो हमारा फ्यूज़ सही है और जो जो बाएँ हाथ पे जो फ्यूज़ है वो हमारा ओपन है, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अब हमको सिंपल क्या करना है कि इन्वर्टर को सबसे पहले हमें बंद कर देना है। एक नोज प्लायर या और किसी उपकरण की मदद से आप फ्यूज़ को उस स्लॉट में ले जा करके दोनों फ्यूजों को आप वहाँ पे देखिए स्पार्क हो रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना, तो वहाँ पर आप ले जा करके लगा दें। आप प्रयास करें कि बैटरी निकाल दें, थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। तो एक फ्यूज़ मैंने लगा दिया है, ये दूसरा भी फ्यूज़ मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों उसी दो स्लॉट होते हैं, सीधा सीधा आपको फ्यूज़ लगाना होता है। ये देखिए मैंने दोनों फ्यूज लगा दिए हैं। अब ये चूंकि दोनों फ्यूज़ कनेक्ट हो गए हैं तो अब दिक्कत नहीं है, आराम से अब आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। ये दोनों मैंने लगा दिया, ठीक जैसा देख सकते हैं। और देखिए ये दोनों लग गए, दोनों फ्यूज़ हमारे, चूंकि एक पॉजिटिव का होता है एक नेगेटिव का होता है, दोनों फ्यूज़ हमने लगा दिए हैं। अब इन्वर्टर को देखते हैं हम कि इन्वर्टर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हमारा इन्वर्टर देखिए प्रॉपर तरीके से काम करने लगा, बैटरी चार्जिंग होने लगी। ठीक है, ये देखिए बैटरी चार्जिंग होने लगी, मतलब जो फ्यूज़ था वो ओपन था और हमने उस फ्यूज़ को लगा करके फिर से इन्वर्टर को सही कर दिया। हमारा जॉब जो है वो डन हो गया है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।